फाइनली गोवा पहुंच गए हम लोग. सो फाइनली वी आर इन गोवा एंड ऑल सेट टू एंजॉय फॉर 4 डेज. मैं और समवन इज बिजी एज हेल. सीरियसली कोई फ्लाइट में भी हमारे साथ ही अकेले भी गोवा फ्लाई करके आए हैं. सी कितना कूल लग रहा है. तो हेल्दी खाना अच्छी बात है वैसे. सी हाउ कूल इज केला. बट कोई बहुत ज़्यादा बिजी है. इजी बोल रहे हो. कोई बहुत ज़्यादा बिजी है. तो फाइनली आप मेरे साथ एंजॉय करने वाले हो या फिर मैं ये अपनी सोलो ट्रिप मान लूँ. एंजॉय करने वाला हूँ मैं ये. श्योर. अभी तक वो फीलिंग नहीं आ रही है कि हम गोवा में आ गए हैं क्योंकि इतनी मस्ट ऑफ हो चुकी थी सारी चीज़ें. बैठेंगे थोड़ा सर्च करेंगे. अभी तक हमने कोई भी होटल सर्च नहीं किया है. कौन से होटल में रुकेंगे क्या करेंगे वी हैव नो एनी आइडिया. सो देखते आगे आगे क्या होता है. आई थिंक बहुत एडवेंचरस ट्रिप रहने वाला है क्योंकि हमने कोई प्लान नहीं किया है. अनप्लान ट्रिप प्लान इसलिए नहीं किया क्योंकि प्लान करते थे ट्रिप कैंसिल. हाँ हमने ये आई थिंक थर्ड टाइम है ना. थर्ड टाइम हम लोग प्लान कर रहे हैं बट थर्ड टाइम हमारा प्लान फाइनली सक्सेसफुल हो गया. अदरवाइज बैग उठा ले. हाँ अदरवाइज हर टाइम फ्लॉप ही होता था. फाइनली वी आर एट गोवा एयरपोर्ट और हम अभी कुछ प्लान नहीं है कहाँ जाएंगे क्या करेंगे कैसे रहेंगे. सो वी जस्ट रीच्ड होटल. हम 5:30 को लैंड कर चुके थे पर हमें लेट हो गया आते आते बहुत ज़्यादा क्योंकि हमने पहले से कोई प्री प्लानिंग नहीं की थी. तो वहाँ पे बैठ के होटल बुकिंग एंड टैक्सी बुकिंग बहुत ज़्यादा टाइम लग गया. अभी बज रहे हैं 9. हम 9 बजे होटल में पहुँचे. वेरी टायर्ड. वी बोथ आर वेरी टायर्ड यू नो. कल हम शिफ्ट करेंगे जहाँ पे हमने प्लान किया है एक्चुअली में. दिस इज़ अ व्यू फ्रॉम माई रूम. एक्चुअली इट्स ऑन 4th फ्लोर. सो हियर इज़ अ स्विमिंग पूल. हमारा प्लान था कि पूल में जाए बट उनका टाइमिंग थोड़ा ऑड है. 6 बजे तक ही खुला रहता है. सो हैविंग कैंडल लाइट डिनर देयर. It was so romantic. So it's a quite nice place. So hi guys, there is a second day in Goa. So हम लोग कल रात को बहुत ज़्यादा थक गए थे फिर भी went to Goa बागा बीच. तो we decide to not to vlog because there is some quality time we spent together and it was so romantic. seriously किसको पसंद नहीं आता कि रात को दरिया किनारे बैठ के स्टार्स को देख के एक रोमांटिक हग करके बैठा जाए और कुछ फ्यूचर प्लानिंग करी जाए कुछ रोमांटिक बातें करी जाए. सो इट वाज सो रोमांटिक आई कांट एक्सप्लेन एक्चुअली. तो हम लोग गए थे अभी वी आर ऑल सेट टू गो आउट. हम सोच रहे हैं कि हम कोई बाइक या फिर स्कूटर कोई रेंट करेंगे. हाँ यहाँ से अब एक्चुअल ब्लॉग स्टार्ट होता है. देखते हैं क्या क्या एडवेंचर करते हैं हम लोग. So he's just getting ready and I'm all set to go out. And this is the pool which we used nahi kiya and yeah we decide to check out. Just take out the look. So, the favorite coffee. Do you want your black coffee? No. And this is our room. Our chhota sa, pyara sa room. Bathroom bahut acha hai. पहले वाले रूम से ये वाला रूम ज्यादा बेटर है. ज्यादा नहीं बहुत बेटर है. छोटा है थोड़ा सा. We just had a coffee. Hi babe. Hi. फोकस नहीं हो रहा है.
So we just relaxing for some 2 or 5 minutes here in the balcony. जहाँ से मस्त व्यू आता है. And that's me. We are planning to go out. Where are you going? Beach. कौन सा वाला? This is the view of the outside of the hotel. And this is the restaurant. And so beautiful view. This is the pool and the chilling area. And this is the bar. टू रेंट अ बाइक. एक्चुअली जिनके पास हमने लिया था उनके पास कोई और बाइक नहीं थी, सारी ऐसी पुरानी पुरानी थी. तो हम कोई दूसरी शॉप में आए हैं, शायद यहाँ पे कुछ अच्छा मिल जाए. सिर्फ खाने में लगी है और घूमने का तो ठिकाना ही नहीं. सो फाइनली आफ्टर सो मेनी फोन कॉल्स, आफ्टर सो बिजी शेड्यूल, इन्होंने मेरे को फाइनली थोड़ा सा टाइम दिया है. अभी बज गए हैं कितने बजे, 5 बज गए. ऑलरेडी हम 3 बजे खाना खा के फ्री हो चुके थे. 4:30 बजे तक, 3:30 बजे तक सब कुछ ख़त्म हो चुका था, पर इनकी मेहरबानी से हम लोग कहीं बाहर नहीं निकल पाए. सो फाइनली अभी हम जा रहे हैं. कहाँ जा रहे हैं? कौन सा बीच? कैलिकुट बीच. तो ये पर्सनली इनका फेवरेट है, जो मेरे को दिखाना चाहते थे. अच्छा हुआ इनकी दया से मेरे को दिन में ही देखने को मिल गया, नहीं तो रात को आना पड़ता. खतरनाक है, जाने में बहुत मजा आता है.
के नीचे पूल साइड पे बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। बस आज कुछ जाने का कोई प्लान नहीं है, आज कल ही